गाइस, आई एम अविका चौधरी एंड दिस इज माय फर्स्ट पॉडकास्ट, सो एंजॉय माय पॉडकास्ट बी ब्लंट। एंड यहां पे होंगी बहुत सारी ब्लंटली बातें और जो मैंने कभी किसी के साथ नहीं की है, सो वेट एंड वॉच एंड लेट मी नो आपको मेरा ये पॉडकास्ट कैसा लगा। प्रिंस ने कभी तुम्हारे वार्डरोब से कुछ चुराया? चुराया पहना है ब्रांडेड पीस जब मैं लेके आती हूँ तुरंत पहन के खड़ा हो जाता है। मेरे ट्राउजर तो सबसे पहले वही पहनता है, लूज ट्राउजर्स जो होते हैं, तो इट्स लाइक यूनिसेक्स बेसिकली। और बल्कि उसको बताती भी नहीं हूँ मैं, स्पेसिफिकली बताती ताकि वो चुरा के पहन के खड़ा ना हो जाए, पता चले ले कहीं जा ही रहा है। अच्छा, तो ही बहुत सारे मोमेंट ऐसे हमारे बीच में होते हैं कि वो कई बार फनी तरीके से मेरे कपड़े पहन के खड़ा हो जाता है, ट्राउजर्स वगैरह, और फिर एक्टिंग करेगी हेलो मैं जा रहा हूँ, तो मुझे हंसी आ जाती है। सो दैट्स हाउ ही डज। रिसेंटली ज़ारा से शॉपिंग करके आई हूँ, रखा है मैंने, मैंने खुद ट्रायल नहीं लिया है, मैंने कहा चलो यार चाय वाय पी लेती हूँ, उसके बाद पता चले मैं रूम में आती हूँ, सिर्फ चाय लेके अपने रूम में आती हूँ तो वो पहन के ऐसे खड़ा है। क्या, बट इट्स क्यूट, इट्स यू नो दीज आर द लाइट मोमेंट्स। जो आपको लॉकडाउन का कोई फनीएस्ट मोमेंट बताओ। हाँ, एक्चुअली अच्छा टाइम था लॉकडाउन में भी, बाहर से कुछ लोग थे प्रिंस के बच्चे रोडीज के, वो हमारे साथ रुके हुए थे। अच्छा। तो शुरू के टाइम तो चलो ये था कि आई एम डूइंग एवरीथिंग यू नो किचन में, यूजुअली जब प्रिंस होता है तो किचन में आई एम नॉट अ गुड कुक, बट जितना भी होता है बच्चों की तरह भागती रहती हूँ, ये खाएगा वो खाएगा, ट्राई करती रहती हूँ कुछ ना कुछ। तो एक दो दिन गुजरे, दो चार दिन गुजरे, चलो मैं बना रही हूँ, फोर्थ फिफ्थ डे मैंने बिग बॉस के घर की तरह ये बोल दिया, बॉस अपना अपना काम बांट लो, ये नहीं चल पाएगा। तो यस, अपना अपना डिपार्टमेंट अपने बांट लिया था, कोई बर्तन करता था रेगुलर बेसिस पे, कोई मेरा खाने का डिपार्टमेंट था, कोई झाड़ू पोछा करता था, एंड देन फिर हम लोग शूट करते थे, मस्ती। नरूला साहब क्या करते थे? नरूला साहब साथ में काम करते थे क्योंकि अब बच्चे तो खुद के थे ना। नहीं, नहीं करोगे तो फिर सुनना पड़ेगा। मतलब झाड़ू पोछा भी लगवाया है? वेरी गुड। मतलब वो बात अलग है, एक बार दो बार झाड़ू पोछा करने के बाद यार तुम किसी मेड को ढूंढ लो प्लीज, बिल्डिंग में किसी से बात कर लो, जितना बोलेगा मैं उतना दे दूंगा। तो ये होता था। यस, हाउ डू यू मैनेज टू बी सो ब्लंट एंड रियल? इसका खामियाजा भी बहुत भुगतना पड़ता है। इनफैक्ट ये चीज मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि हर जगह बहुत ज्यादा सच्चाई से आप बोलते हो तो वो आपके ऊपर आके चीजें पड़ जाती है उल्टा। प्रिंस बहुत समझाता है कि इतना नहीं, यू नो इज लाइक, अगर चलो ब्लंट भी हो कम से कम थोड़ा सा माइंड भी यूज कर लिया करो, तुम तो बहुत ही ज्यादा ब्लंट हो जाती हो। मैंने कहा यार यही नहीं मुझसे आता है कि इतना पॉलिश करके भी ब्लंट बोल देना, इतना नहीं है, जो है दिल में वो बोल दो। मतलब चापलूसी नहीं कर सकती? नहीं नहीं, चापलूसी नहीं। आई कैन गिव लव, I can receive love, but not because of a reason. किस एजेंडे की वजह से मैं कोई चीज नहीं करती हूँ कि हाँ ये करना है। So sometimes it's good, sometimes bad. Being too honest is also, आपको तलवार लटक जाती है। कभी ऐसा हुआ है कि बहुत ज़्यादा honest होने से भी मतलब तुमको ऐसे मतलब problem हुई है या? हमेशा My family knows. इसलिए मैं बाहर बहुत जगह जहाँ लोग मुझे जानते नहीं है, so I prefer be to be quiet, silent. कितनी बार होता है कि मैं bluntly, अगर मुझसे कोई घर में कुछ बात पूछे, और प्रिंस को तो मैं हर चीज ही bluntly बोल देती हूँ, मेरे घर वाले जानते हैं that I'm blunt. मुझे एक बात बताइए, what is your point of view on women's empowerment? I think अब भी underestimate किया जाता है, और उसी चीज के लिए हम लोग कहते हैं कि हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। आई विश हम और भी आगे बढ़े, बिकॉज मेट्रो सिटीज में ऑफकोर्स हर कोई इस बारे में बात करता है, लेकिन आज भी बहुत सारी चीजें, यू नो, छोटे शहरों में और गाँव में अभी भी बहुत बहुत सारा इम्प्रूवमेंट होना बाकी है। एंड आई विश जिस तरीके से हमारा हिंदुस्तान बढ़ रहा है, आई विश ये और आगे बढ़े, और हर तरफ मुझे तो महिला ही महिला दिखे, चाहे वो बिजनेस हो, पॉलिटिक्स हो, कहीं भी हो। मतलब मेरा, मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है अगर मैं किसी फीमेल को बाहर काम करते हुए या किसी चीज में हेड करते हुए देखती हूँ, तो इट्स लाइक प्राउड फीलिंग। जैसे वुमेन एट्रोसिटीज की हम जो बात करते हैं, जैसे रेप विक्टिम्स, ये है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मतलब ऐसा क्या लॉ या ऐसी क्या पॉलिसी अडॉप्ट हो कि ये सारी चीजें जो है वो रुक जाए? था, अगर आप गलती करते हो तो सीधा उसको मतलब सजाए मौत मिलनी चाहिए। इतना डर होना चाहिए हमारे हिंदुस्तान में कि सामने वाला गलती करने से पहले सोचे एक बार, खत्म कहानी। हमारा लॉ और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए ना तो दिक्कत ही नहीं है, बट आई थिंक
है हमारे मोदी जी करेंगे, धीरे धीरे सब चीजें करेंगे। जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है चाइल्ड एडॉप्शन को लेकर, क्या आपको लगता है कि उसको थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए? कि जिस तरह से जो है बच्चे रोड पे घूम रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो बेगर्स बन के रहे हैं, और देर आर सो मेनी कपल्स जिनके पास है ना, जिनको अडॉप्ट करना है, लेकिन पॉलिसीज आर सो हार्श के दे आर नॉट एबल टू। आई विश ये जल्दी से हो जाए और जो जिंदगियां जिनको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जीने के लिए जी। उनको, और जिनके पास एक्चुअली दे आर नॉट ब्लेस्ड टू हैव बेबीज, उनको यू नो इट्स वाइस वर्सा, दोनों तरफ जिंदगियां मिलती हैं, एक को जीने के लिए और एक को वैसे। सो आई विश, ये तो बहुत ही अच्छी बात है अगर हमारे हिंदुस्तान में ये चीजें ईज आउट हो जाए तो यस इट इज इम्पोर्टेंट। आई विश ऐसा हो, कितने माँ बाप हैं जो यू नो अडॉप्ट करना चाहते हैं और उनको अडॉप्शन में इतना लंबा टाइम लग जाता है। सो 100% बच्चों को क्या लाइफ मिलेगी, यू नो एजुकेशन मिलेगा, एजुकेशन मिलेगी, जिंदगी मिलेगी, पेरेंट्स मिलेगी, जिंदगी जीने का तरीका मिलेगा जी। तो वो सड़कों पे नहीं पलेंगे, उनके पास रीजन होगा यू नो। व्हेन यू आर अलोन व्हाट यू डू? When I'm alone, I do my own things because when Prince is there, so he's the center of my life. Yeah, and मैं कोशिश करती हूँ। मतलब मिशन प्रिंस नरुला शुरू रहता है। हाँ, because वो चाहते ही नहीं है मेरा ध्यान कहीं और भी जाए एक सेकंड के लिए भी। Yeah, that's good. वो घुमा के रखता है मुझे, रूटीन लग रही है ये, बेबी वो, बेबी मुझे ये खाने का मन कर रहा है, मैं गुड कुक एंड मेरा स्ट्रगल रहता है मैं उसको बेस्ट से बेस्ट चीज बना के खिलाऊं और इतनी मेहनत करके लाऊंगी, छोटा सा मुंह बना के बोलेगा अच्छा नहीं था, बहुत बुरा था, बाहर से मंगा लेते हैं। मैंने कहा यार मेरी एफर्ट भी नहीं, और फिर मुझे और ऐसे लगता है नहीं अब तो मैं और अच्छा बनाऊंगी नेक्स्ट टाइम। और ये मेरा स्ट्रगल सालों से चल रहा है, जब से शादी हुई है, ना मैं हार मानती हूँ और ना वो कभी झूठे से भी तारीफ करता है, ये बोलेगा ठीक था बट नहीं बाहर से मंगा लेते हैं। आई थिंक मुझे अपने हथियार डालने पड़ेंगे। मैंने कहा मेरा कब नसीब आएगा कि मुझे बना के खिलाए, मैं बोलूं नहीं अच्छा नहीं था। मैंने कहा बहुत बुरा लगता है प्रिंस, सोचा करो। कहते मैं तारीफ एक झूठी कैसे बोलूं, तारीफ करो। तो ये है हमारे दो सच्चे लोग जो एक दूसरे को, एक डायलॉग जो है वो प्रिंस हमेशा मारता है तुमको मनाने के लिए जब तुम नाराज हो जाती हो। इट्स हिज लव फॉर मी, एक तो सॉरी बोल देता है, वो हथियार मैदान में डाल देता है और फिर उसको, फिर वो मुझे एक्सप्रेस करता है कि यार कभी कौन सा दिन आएगा जब तुम भी मुझे सॉरी बोलोगे। सो या जो अब थोड़ा थोड़ा होने लगा है, व्हिच आई टोल्ड यू ना कि मैंने पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर दिया है कि हम क्या बेकार की चीजों पे हम बहस करते हैं। तो खुश हो जाता है सॉरी सुन के? बहुत खुश। ओके, मैंने कहा यार ऐसे फेक सॉरी बोलने से क्या फायदा, क्या फायदा? तो कहते तुम्हें लगता है मैं फेक सॉरी बोलता हूं? मैंने कहा इस बात पे झगड़ा हो जाएगा यार छोड़ो। मैंने कहा यार आप विद इन 5 मिनट्स कैसे नॉर्मल हो सकते हो, मुझे तो बहुत वक्त लगता है। सो बट वी आर टू इन दिस वे, वी आर टू डिफरेंट पर्सनालिटीज, उसका पॉइंट ऑफ व्यू। बट टेल मी वन थिंग, कि स्टेइंग विद अ विद प्रिंस इज लाइक फुल ऑफ कंटेंट, मतलब इट्स अ फन जर्नी। या वी आर लाइक बेसिकली मैंने रिसेंटली बोलना शुरू किया है आई शुड स्टार्ट फीलिंग दैट आई एम मैरिड, अदरवाइज हम लोग रहते ऐसे हैं जैसे दो दोस्त लोग रह रहे हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। सो तो शायद तुम्हारी रिलेशनशिप के जो सक्सेस का मंत्र यही है? मंत्र यही होता है कि बस यही है जो कुछ भी है, झगड़ो, प्यार करो, कुछ भी करो, इससे इसके अलावा मेरी दुनिया नहीं है। जब आपके पास ये रहता है ना, तो आपके हथियार भी वहीं डलते हैं, आपका प्यार भी वहीं होता है, मतलब वहाँ एंड लग जाता है। सो देयर इज नो अदर ऑप्शन, यू नो समटाइम्स मैं झगड़े में, मैं कई बार बोल देती हूँ मुझे नहीं साथ में रहना है, वही हाँ मुझे भी नहीं रहना, बट वो बातों तक ही होता है, उसके एक घंटे बाद, दो घंटे बाद पता है कि ना वो मेरे बगैर रह सकता है ना मैं उसके बगैर रह सकती हूँ। सो दिस इज समथिंग, ये आपको पता रहना चाहिए, दैट्स इट। बाकी झगड़े होने बहुत जरूरी है, मुझे प्यार का एहसास नहीं होता। मुझे एक चीज बताइए कि प्रिंस ने मुझे बोला था कि तुमको दिन रात उसके मुंह से पंजाबी गाने सुनने बड़े पसंद है। पसंद उसने बोला था, पसंद मेरे कानों से खून निकलता है। जब से मैं उससे शादी करके आई हूँ मैंने सिर्फ पंजाबी गाने सुने हैं। And actually, I don't even say no because it's his own songs जो वो create करते रहता है। तो लेकिन मैं बोलती हूँ कभी, अब तो आदत पड़ गई है मुझे। तो मुंबई में पंजाब फील कराता है ना बंदा? मुंबई में नहीं, जब से शादी में सिर्फ पंजाब ही फील करती हूँ, only पंजाब। उसे बताया भी था ये बात कि the most irritating thing for her is कि मैं पंजाबी गाने गाता रहूँ। ऐसे से ब्लड आता है कानों से। But yeah,
एंड व्हेन आई एम नॉट विद हिम व्हिच इज यू नो जब मैं बाहर जाती हूँ देन आई रियलाइज कि यार मैंने तो ये गाने सुने ही नहीं है ये फिल्म आ गई ये अच्छा ये हो गया बिकॉज मेरे पास इन हाउस ही गाने इतने चल रहे होते हैं लेकिन अगेन व्हाटएवर ही मेक्स फॉर द फर्स्ट टाइम कुछ भी तैयार करता है तो मेरे पास लेके आता है मुझसे मेरा रिस्पॉन्स मांगता है कि व्हाट डू यू थिंक व्हाट डू यू थिंक सो आई लाइक इट कि यू नो आई फील नाइस कि वो अपना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता है अपनी चीजों में तो अच्छा लगता है देन मुझे लगता है कि प्रिंस नरूला म्यूजिक लेबल जो है उसका काफी कुछ क्रेडिट तुमको भी जाता है क्योंकि he told me कि she pushed me कि do if you want to do it then why you are not doing it. Yeah, it was when in 2015 जब हम मिले थे we were only friends ऐसा कोई हमारा था भी नहीं कि हम लोग एक दिन शादीशुदा होंगे so उस वक्त he was getting offers for films and and where we got offered for the film together but wo film was not that you know mujhe laga ki wo film ko justice nahi karegi wo sirf karne ke liye film hogi so I told him ki prince in this industry you have already talent of singing and agar aapko sirf kaam ke liye kaam karna hai to please mat karna kaam karna acha karna ek satisfaction ke liye karna ki maine kuch acha kaam kiya hai अगर आपको सीरियल भी करना है सो हैव प्लान बी इन योर लाइफ इफ यू कैन डू व्हाई डोंट यू प्रोड्यूस यू नो व्हाई डोंट यू सिंग एंड साइबर साइड एक ये रखो बिकॉज आई नो योर नेचर इज नॉट सच कि आप स्पेसिफिकली आप बाहर जाओ और यू नो काम को मांगो एंड वो मैं जान गई थी प्रिंस को मैंने कहा फॉर यू आई थिंक ये बेस्ट रहेगा एंड लकीली उसी वक्त he took that thing so seriously ki shuruaat tab hui and proper seriousness aayi lockdown mein okay jab hum log hamare paas waqt tha tab humne cheeze acche se create karni shuru ki aur us waqt bahut kuch create kiya and then after that there is no looking back is baat pe then agar prince kisi cheez mein ghus jata hai to phir his voice is so good he is multi talented He's like reality कर लिया मैंने पूरा last podcast में बोला he's passionate about so many things yeah he's passionate he's committed he's loyal basically अगर वो किसी भी चीज में घुस रहा है चाहे वो किसी रिश्ते में घुस रहा है तो he gives it all then there's no looking back so same with work काम में वो दिन रात एक कर देगा Prince से किसने मुलाकात करवाई so same day कुछ घंटों पहले जी one of person came in came and called me ji and said ki mujhe kisi se milwana hai aapko ek reality show mein ja rahe ho so that was the moment was just 20 minute ke liye hum log mile the and then he said ki aap uske sath you know ek banda hona chahiye jaan pehchan mein and he is the one to jisko main bilkul nahi janti thi maine kaha yaar ye kyun milwa raha hai mujhse and he suggested ki sath mein rehna sath mein khel sakte ho and if you like each other thoda sa अफेयर का भी सीन कर सकते हो तो मैंने उधर ही अपना फेस बनाया मैंने कहा यार ये तो मैं हुई नहीं एंड व्हाई ठीक है आप मैं जानती हूँ एक दूसरे की हेल्प करेंगे एंड ऑल दैट बट ये तो नहीं होगा सो फिर कुछ घंटे में ऑफ कोर्स सुबह हो गई एंड हम लोग शो की एंट्री के लिए आ गए एंड देन देयर जितना भी थोड़ा बहुत मैंने जाना था प्रिंस की वीडी देख के भैया तो बड़ा मार धाड़ वाले बंदा है मैंने यू टर्न ले लिया मैंने कहा यार मैं नहीं जानती इसको एंड देन इन द शो व्हाइल लिविंग इन द हाउस वहां मैंने प्रिंस को जानना शुरू किया कि हु इज ही देन आई रियलाइज इज अ वेरी नाइस गाय प्रिंस इज लाइक अ कोकोनट या ही ग्रोज ऑन यू आपको जब पर्सनली आप टाइम स्पेंड करते हो तो आपको पता चल जाता है इज अ नाइस गाय गुड हार्टेड गाय तो मुझे एक बात बताइए जब बिग बॉस में आप दोनों थे तो प्रिंस जो है वहां पर आपको बिग बॉस में जीतने के नुस्खे बताता था या हाउ टू प्ले मैं जितना भी टाइम रुकी हूं बिकॉज़ ऑफ प्रिंस अच्छा मैं मम्मी को बोल के आ गई थी घर में कि मैं आपको हाफ एन आवर नहीं सॉरी 1 वीक में आ जाऊंगी हाफ एन आवर क्या 1 वीक में वापस आ जाऊंगी सो डू नॉट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम मी सो और ये होता अगर प्रिंस नहीं होता तो मैं डेफिनेटली फर्स्ट वीक में आउट हो जाती 100% क्योंकि मुझे एबीसीडी नहीं पता सो वन इंसिडेंट वेयर ही गिव यू अ टिप ऑलवेज हर वक्त जैसे एक मतलब हर मोड पे कि यू भी ऐसे नहीं तुम बहुत ज्यादा
भोली हो शो के हिसाब से, तुम्हें नहीं तुम्हारी वो सोच नहीं है, भले तुम कितना पक कर लो लेकिन तुम्हारा माइंड इतना नहीं चलता है, लोग कैसे हैं तुम्हें नहीं समझ में आते, तुम कितना भी बोलो कि ये ऐसे वैसे, ये तुम्हें आउट करेगा बेसिकली। जो जो वो बोलता था ना, ऑनेस्टली वो ही होता था। और फिर उसके बाद ही स्टार्टेड लाइकिंग मी, वो वाला एंगल आ गया, तो फिर मैंने थोड़ा स्टेप बैक करना शुरू कर लिया। मैंने और मैं इसको बोलती थी शायद मेरे को इम्प्रेस तो नहीं कर रही है इसीलिए यू नो, एंड ये लड़के ऐसे ही होते हैं, मैं अपने जोन में अलग ही जोन में कि ये मुझे पटा तो नहीं रहा है इसलिए मेरी हेल्प कर रहा है। एंड उसको बोलती थी मैं कि यू नो तुम टीआरपी के लिए कर रहे हो ये सब, तुम टीआरपी के लिए कर रहे हो, आई डोंट बिलीव यू। पर जब मैं लिटरली उसके कहने पे, उसने मुझे बोला था इस बार तुम बाहर निकल जाओगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, प्लीज मेरे हिसाब से सुन लो मैं जो बोल रहा हूँ, और मैं नहीं नहीं झूठ बोल रही है ये स्मार्ट लड़का है पटा रहा है मेरे को। Then I was out of the show. Then I realized that yeah man he was right. Yeah, तब तक मैं बाहर आ चुकी थी। आज इतनी ज्यादा डबल टाइमिंग्स है, डिसलॉयल्टी वाला जो फेज है, इसमें How Prince is different as a husband? ये तो Prince से पूछना चाहिए था। Didn't you ask? नहीं, मैं तुमसे पूछूंगा How Prince is different for you? It's not difficult to be different. It's normal. Different is this double timing, triple timing. बहुत effort चाहिए। But उन लोगों से Prince कितना different है? That's what my question. He's a basic man with a beautiful heart. Okay. That's it. Okay. आजकल you know that pure प्योर पीपल बोलने के लिए मिलते हैं बट होते नहीं है जेन्युइनली। सब बोलते हैं कि आई एम देयर बट एक्चुअली नोबडी इज देयर। सो ऐसी जगह अगर आपको ऑनेस्टली मैंने अपनी लाइफ में जब प्रिंस से शादी करने का फैसला किया था तो मैंने आई डिडंट नो अबाउट हिज फैमिली, आई डिडंट नो हिज बैकग्राउंड, आई स्वेयर आई डिडंट नो एनीथिंग, और मेरी फैमिली को भी कुछ नहीं पता था। इट वाज ओनली प्रिंस अच्छा दिल, एक अच्छा इंसान, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग जब अच्छा इंसान आपको मिलते हैं तो आपको वैल्यू डबल ट्रिपल हो जाती है। प्योर हार्ट गाय है, and intelligent, sensible, emotional, funny, everything was there. मैंने कहा यार wow such a nice person, he's a package for you, he's a literally and like a calm warm, I was not focused, I didn't know कि उसके family का background किस family से है और क्या, no मेरे लिए it was important कि वो बंदा मेहनती है, अच्छे दिल का बंदा है, खुल के प्यार करता है, खुल के जीता है, and it was not only for me, for everyone. तो वो चीज मुझे बहुत attract की थी Prince के अंदर, and then Yeah. मुझे His confidence since day one, because from one side उसका तो affair भी शुरू हो गया था, कोई था भी नहीं, शादी मेरी तो wife बनेगी, यही बनेगी, he used to tell me on my face. अच्छा. Oh. अंदर ही? बाहर निकलने के बाद. He was sure. तो तुम्हारा respond क्या होता था? I was taking my time. अच्छा. मैंने कहा I don't know you as a person, you know. So. अपनी जिम में तुमको तो वो जब फेज चल रहा था तो आस पास के जो तुम्हारे कोई इंडस्ट्री के कुछ फ्रेंड्स या होते हैं ना हमारे आस पास के लोग होते तो ऐसा कोई कभी था, आई रियली डोंट वांट द नेम, बट ऐसा कोई कभी किसी ने ज्ञान दिया कि अरे मत कर ऐसा है वैसा है? शो के बाहर निकलते बहुत लोगों ने ज्ञान दिया था क्या he is not your type of guy or you don't deserve and sabka hota hai you know sabke point of view hote hain because sab nahi jaise main show ke andar thi to main prince ko nahi janti thi main bolti thi ki tum acting kar rahe ho tum show off kar rahe ho game ke liye tum trp ke liye kar rahe ho but with time i came to know so theek hai jab aapko log personally nahi jante to wo judgmental to definitely honge aajkal to log second mein judgmental ho jate hain bahut logon ne bola tha ki no not this guy yaar no प्लीज तुम्हें और अच्छा मिल सकता है, एंड आई एम श्योर सेम मस्ट हैव गॉन टू प्रिंस आल्सो। सो ये होता है, सो हुआ था ऑफ कोर्स, बहुत सारे लोगों के सजेशन आए थे जो वक्त के साथ बदल गए। प्रिंस को सबसे ज्यादा इरिटेट करने के लिए ऐसी कौन सी एक हरकत है जो तुम कभी भी करो एंड उसको तुम इरिटेट कर सकती हो, आइरेट कर सकती हो इन अ फनी वे? इरिटेट
कुछ भी अगर मैंने थोड़ा सा यू नो हॉट ड्रेस डाल दी ना वो बेचारा परेशान हो जाता है. Yes. So, he's like, उसकी सांसें अटक जाती है. मना नहीं करेगा वो, मना नहीं करेगा, बट उसकी सारी अटेंशन सब खराब हो जाता है. वो रिलैक्स नहीं रह पाता है. He's all the time properly just staring at me like, आप जल्दी जल्दी फटक खत्म करके हो गया अभी घर चले. How sweet. I had to do prim and proper. वो देखता रहता है properly रहे सब कुछ. तो अगर मैंने थोड़ा सा उसके हिसाब से लगे कोई चीज लगे कि uncomfortable है उसको, मतलब लगे कि बहुत अच्छी लग रही है, बट भी लगता है थोड़े ज़्यादा छोटी है. मैंने कहा हाँ भी, but I love it. अब वो मना भी नहीं कर सकता है. तो दोस्तों मैं सोने जा रहा हूँ, अच्छे दिन आए तो उठा देना. पर फिर मुझे समझ में आ जाता है कि हमारा आज का जो प्लान है इसका ध्यान कहीं नहीं जाने वाला है, सारा फोकस बोला और गाओ बेटे पंजाबी गाने और सुनाओ पंजाबी गाने. वाह वाह. तो मुझे एक बात बताओ, ऐसी एक कोई डिश जो तुमने बार बार ट्राई की बनाने के लिए और बार बार प्रिंस ने बोला नहीं बेबी बाहर का खाना मंगाते हैं. हर पराठे छोड़ के, एक तो पराठे उसको इतने पसंद है, वो छोड़ के या वो छोड़ के हर वो चीज. एक्चुअली फर्क क्या है ना, मैं हर वो चीज हेल्दी ट्राई करती हूँ जिसमें ऑयल ना जाए, बहुत मसाले ना जाए. हर बार मेरी कोशिश यही रहती है, गुड सैलड्स एंड ऑल दैट. पर उसको एंड ऑफ द डे वो इज अ प्रॉपर देसी मुंडा, तो उसको देसी चीजें पसंद है. तो जब तक उसमें घी और अच्छे से चीजें ना आ जाए तो वो ऑफ कोर्स फैट आप खाओगे तो फैट में तो आपको टेस्ट आएगा, स्वाद आएगा ही. वो तुमसे नहीं मिलेगा उसको. नहीं नहीं, तो मैंने कहा मैं इसमें घी डालूं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, अब घी भी नहीं चाहिए. सो यार चलता रहता है, पराठों तक मैं पहुंच गई हूं. तो पराठे ठीक ठाक बना लेते. ओके, तो सबसे हेल्दीएस्ट चीज क्या खाता है वो? पराठे. और सबसे अनहेल्दीएस्ट क्या खाता है? हेल्दी खाने के बाद वो पराठा भी आ जाता है. अच्छा, लिटरली फिर कहता है यार कल से डाइट. तुम होती हो ना, मैं डाइट नहीं कर पाता हूँ. मैंने कहा यार मुझ पे क्यों ब्लेम निकाल रहे हो? नहीं ऐसा मत करो. नहीं नहीं यार, मतलब तुम्हारे सामने चलो बाहर से कुछ मंगा लेते हैं. तो हमारा किचन में तो बनते ही बनता है, उसके बाद फिर बाहर से ऑर्डर होता है. सो मतलब ही ईट एनीथिंग एंड एवरीथिंग एंड ही इज फिट एंड फाइन. टच वुड. ही ईट्स एवरीथिंग. या एंड ही इज फसी आल्सो कि नहीं नहीं ये नहीं अच्छा लगा, वो नहीं अच्छा लगा. अच्छा या है या. तो मुझे एक बात बताइए, व्हाट is your message for the couples? Chill रहिए and enjoy कीजिए. जब वक्त निकल जाता है तब आप सोचते हो कि यार हम क्यों लड़ रहे थे, क्यों हमने इतना time waste कर दिया. Because आजकल जिंदगी का ही नहीं पता है कहाँ चली जाने वाली है. और ये जो ego clash होते हैं ना उनको खत्म करना सीख लीजिए. Respect each other. एक दूसरे को एक point पे आके एक दायरा होता है ना उसको एक दोनों को बना के रखना चाहिए कि ये चीज मेरे पार्टनर को पसंद नहीं है. आई शुड वर्क ऑन दैट एंड फ्रॉम बोथ द साइड कि यहाँ उसको ये चीजें हर्ट करती हैं तो आई शुड नॉट हर्ट माय पर्सन. एंड फॉर मी यही है, इसके साथ जिंदगी बितानी है. सो व्हाई नॉट टू लिव हैप्पीली. क्योंकि जिंदगी कब कहाँ किस मोड पे निकल जाए आपको पता नहीं लगता है. तो एंड इससे पहले वक्त निकल जाए आप वक्त को पकड़ के जी लो यार, उसके बाद हम बैठ के यादें ही रह जाती है फिर. तो एक स्टाइल स्टेटमेंट क्या देना चाहोगे? पहनो जो आपको कंफर्टेबल करे. And जो कॉन्फिडेंस जो होता है ना वो सबसे बड़ा स्टाइल होता है. इफ यू आर कैरिंग इट वेरी कॉन्फिडेंटली एंड हैप्पीली वो आपकी वॉक चेंज हो जाती है. एंड आप कितने भी स्टाइलिश कपड़े पहन के आप वॉक करो, आपकी वॉक में वो कॉन्फिडेंस नहीं है, देन यू आर नॉट स्टाइलिस्ट. सो दिस इज व्हाट आई फील. क्विकली मैं एक चीज पूछूंगा कि जेन ज़ी का जो आज का लव है, ओके, उससे आप कितना रिलेट करते हो? मैं नहीं कर पाती हूँ रिलेट, ऑनेस्टली स्पीकिंग. It's like, I don't know, in kuch cheezon mein they are very, very clear and upfront. I like their confidence, ki wo bahut clear hai. And, but kuch cheezon mein everything is short term, like social media or Instagram ki. Ek do minute ke liye koi interesting cheez aayi, usme feel aaya aur phir nikal gaye. So, kuch cheezon mein bahut achhe lagte hain. Gen Z ka jo thought process hai, they are very clear. And in few thing, they are just all about, you know, social media जो ये है जिंदगी जो दिख रहा है वो, wow, best couple, wow, इसकी जैसा बनना है.
इसके जैसा खाना है, इसके जैसा दिखना है, इसकी जैसी लाइफ जीनी है, बट दे डोंट नो कि ये ही लाइफ नहीं है, यही असली जिंदगी ये नहीं है. अगर आप सोच लो कि यही है जो कुछ भी है, एंड रियलाइज अगर आपके सबके झगड़े होते हैं, झगड़ा नहीं है तो आपकी जिंदगी में प्यार नहीं है. आप झगड़ा भी उससे करते हो जिससे प्यार करते हो, लेकिन स्टार्ट रियलाइजिंग कि ये अगर कांस्टेंट बेसिस पे अगर आपके वही झगड़े हो रहे हैं तो उस पे बैठ के एक दूसरे की चीजें जानो, कि अपने में खामियां देखो दूसरों के अंदर बात में. जब आप अपने अंदर खामियों को ठीक करते हो ना तो चीजें अपने आप ठीक हो जाती है, नहीं तो लड़ाइयां झगड़े सिर्फ मैं में ही रहते हैं, तू 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 मैं. नो, इट्स ऑल अबाउट फर्स्ट स्टार्ट. हम अच्छी चीजों में क्यों मैं बोलते हैं, मैं ऐसी. नो, स्टार्ट रियलाइजिंग कि डू तुम अगर ये चीज बोल रही हो, तुम्हें अगर वो बंदा बोल रहा है, तुम्हें हर्ट हो रहा है, तो अगर मैं उसको सेम चीज बोलूंगी तो एंड ऑफ द डे उसकी भी फीलिंग है ना. तो स्टार्ट रिस्पेक्टिंग ईच अदर, एक स्पेस में जाके चीजें सॉल्व होने लग. और जो गर्ल्स सॉरी नहीं बोलती है उनको भी बोलना चाहिए. इट्स नेवर वन साइडेड रोड, बिकॉज़ यू विल आल्सो लर्न टू से सॉरी. यस, ऑफ कोर्स. मैंने ये रियलाइज करना शुरू कर दिया यार, मैं अगर वो चिड़चिड़ा हो रहा है, वो झगड़ रहा है और बहस कर रहा है, तो वो आई एम श्योर वो किसी माहौल से आया है, वो परेशान है, उसके माइंड में कुछ चल रहा है, वो मुझसे गुस्सा नहीं है, बट उसका अग्रेशन जो मेरे ऊपर आ रहा है वो किसी और रीजन से आ रहा है. तो उस वक्त आप चुप हो जाओ, सबसे बेस्ट पार्ट होती है आप चुप होकर रियलाइज करो. आई स्वेयर कुछ नहीं होगा, कुछ टाइम बाद आके वही बंदा आपको बोलेगा कि यार सॉरी, यू नो, मैं मुझे नहीं बोलना चाहिए था. दैट्स इट, वेरी सिंपल. सो मैं चाहता हूँ युविका आप अपना एक बी ब्लंट स्टेटमेंट बोले. आई थिंक बी ऑनेस्ट इन हर चीजों में. एक चीज कनेक्ट करती है कि ईमानदारी से आप रिश्ता निभाओगे, ईमानदारी से, एंड डू नॉट गिव अप. आप अपने सब अगर गोल की में भी मेरे जो सपने हैं, मैं सपने देखना नहीं छोड़ूंगी, आई नेवर गिव अप. तो जो इंसान गिव अप नहीं करता है ना, वो डेफिनेटली हर चीज में सक्सेसफुल होता ही होता है. तो रिश्ता हो तो जोक की तरह चिपक जाओ, यही है. काम हो जोक की तरह चिपक जाओ, यही है, जब तक आपको रिजल्ट ना मिल जाए. एंड नेवर गिव अप वाला ही एटीट्यूड आपको कहीं ना कहीं लेके जाता है. नहीं तो आप एक चीज से टूट के आगे बढ़ते हो तो कहीं और भी आपको प्रॉब्लम मिलेगी, वहां जाके भी आपको स्ट्रगल ही करना पड़ेगा, चाहे वो रिश्ता हो या काम हो. देयर इज लाइफ इज नॉट दैट सिंपल, बट वी हैव टू मेक इट सिंपल बिकॉज दिस इज इट. हमें इसी का नाम है जिंदगी, जीना ऐसे ही, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, या तो हंसके जियो या रोके जियो. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी अकॉर्डिंग टू यू? डेफिनेशन क्या, आई एम स्टिल गेटिंग इनटू दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड, बिकॉज एंड ऑफ द डे हमें वही जाना है. और जितना जल्दी हम उस चीज को समझ लें, हमारी जिंदगी में जो हम खामियां करते हैं, जो गलतियां करते हैं, वो जल्दी सॉल्व होनी शुरू हो जाती है. आप खुद से जवाब मिलना शुरू हो जाता है कि आप यहाँ गलत हो, यहाँ चीजें आप वैसे कर रहे हो. आपकी जर्नी इज वेरी शॉर्ट, इट्स वेरी वेरी शॉर्ट. जब आपको पता होता है ना ये आपका आखिरी दिन है, आप क्या क्या करना चाहते हो, तो आप सब कुछ समेटने लगते हो, सब कुछ अच्छा करने लगते हो. अगर हर रोज अपना जिंदगी में हम दिन ऐसे जिए कि आज ही आखिरी है, तो यू विल नेवर डू रॉन्ग फ्रॉम योर साइड एटलीस्ट. तो आई लव दिस वर्ल्ड, एंड स्पिरिचुअलिटी इज सच अ लार्ज, इतनी बड़ी दुनिया है ये, कि जिसमें मैंने अभी कदम रखना शुरू किया है. सो मैं कुछ क्विक क्वेश्चंस पूछूंगा जिसके आंसर आपको वन लाइन में देने हैं या वन वर्ड में. इफ यू कुड हैव पावर, व्हाट वुड इट बी? लोगों की मन की बातें जानते हैं. अच्छा, और सबसे पहला वो इंसान कौन होता? सबसे पहला कौन होता? आई वुड नॉट से प्रिंस, बिकॉज उसको मैं इन एंड आउट जानती हूं, बट डेफिनेटली मैं मोदी जी को जरूर जानना चाहती हूँ. किस तरीके से सोचते हैं, कि किस तरीके से उनका माइंड चलता है. नहीं, बड़ी पर्सनालिटीज है, मैं उनका डेफिनेटली जानना चाहती कि हाउ यू नो दे थिंक एंड हाउ दे वर्क इन देयर लाइफ एंड व्हाट्स देयर प्रोसेस. हाउ यू डिस्क्राइब योर रिलेशन विद प्रिंस इन वन वर्ड? लव एंड्स एवरीथिंग इन बिटवीन अस. इज देयर एनी हॉबी यू रिग्रेट नॉट टेकिंग एज अ प्रोफेशन? नो, आई एम ब्लेस्ड व्हाट आई एम डूइंग वेयर आई एम. आई थिंक आई कांट आस्क मोर देन दिस. I didn't have confidence to share my feeling to everyone, but here I am today. You're a self-made. No regret. No. So, ये question मैंने Prince से भी पूछा था, मैं तुमसे भी पूछूंगा. Prince शादी के पहले या Prince शादी के बाद? Prince शादी के बाद, anytime, boss. Anytime. One of the best quality of Prince.
उसका दिल यार, इट एंड्स इट ऑल, दिल का बंदा है वो. ओके, बात वही खत्म हो जाती है. बेस्ट एक्सक्यूज जो प्रिंस हमेशा देता है और तुमको पता चल जाता है भाई साहब तो एक्सक्यूज दे रहे हैं. ओ, 2 मिनट अभी आया, गेट पर हूँ, पहुंच गया. अच्छा. हाँ बेबी, निकल चुका हूँ. तो मैं समझ जाती हूँ, नहीं निकला है. अच्छा. हाँ. बेबी 10 मिनट मींस हाफ एन आवर. बेबी आधा घंटा, 1 घंटा. ओके बेबी, थोड़ा टाइम लगेगा, आ जाएगा. सीरियसली? यस. एंड व्हाट इज द लास्ट फिल्म you guys watch together? Animal. Yeah. Okay. ये जो आप लोग जो products use करते हो, मतलब जो products की आप branding करते हो, क्या real life में ये celebrities खुद भी use करते हैं? मैं करती हूँ. Okay. And then I try and then I can so that मैं review अच्छा दे सकती हूँ. ओह, मतलब तुम अपने ऊपर पहले use करके then you make sure that you give it. मैं अगर मैं स्किन का प्रोडक्ट है जिसके बारे में बात कर रही हूँ तो उससे पहले मैं पहले ही प्रोडक्ट को मंगा के यूज करना शुरू कर देती हूँ कुछ दिन एंड देन आई गिव देम. यार एक बंदा और है जो मेकअप यूज ही नहीं करता, ये कितना सच है? कौन? द नरुला. हां, ही डजंट डू मेकअप. शूट्स में भी, अब तो शूट में भी करना छोड़ दिया. पहले ही यूज्ड टू डू थोड़ा बहुत. हां, और अब तो वो भी नहीं, गाने भी ऐसे शूट कर लेते. वो एक्चुअल में अनटच प्रिंस लगता है. अभी मेरे साथ लास्ट टाइम आया था, वो इतना क्लीन कैसे दिखता है? बिकॉज वो है. नहीं मतलब अब हम भी नहाते धोते सब कुछ करते. He's like that only, yeah. वो क्या तुम्हारा ग्लो है? ये क्या है वो? मतलब वो बंदा no, I really don't know. उसको ये चीज बोलनी पड़ेगी बिकॉज ये चीज मैंने प्रिंस से सीखी है कि अपने आप से प्यार करना बहुत जरूरी है, तभी आप दूसरों को प्यार कर सकते हो. एंड वो जेन्युइनली, एक होता है अपनी खूबसूरती से प्यार करना, अपनी अपने इंटरनल बॉडी से वो बहुत प्यार करता है. अच्छा. बीच में जाके उसने काम के चक्कर में काफी निग्लेक्ट किया था जो उसने फेस भी किया. एंड कमिटेड रहना किसी चीज से, जिम से, अगर वो किसी गांव में भी जाके शूट कर रहा है तो वहां भी एक अखाड़े में भी जाके वो जिम कर लेगा. ही इज दैट कमिटेड. सो वो चीज मैंने प्रिंस से सीखी है कि अपनी अपने बॉडी से प्यार करना सीखो, नॉट योर फेस. फेस तो अपने आप बन जाएगा जब आपकी बॉडी बनी रहेगी. नॉट जस्ट दैट वो शो ऑफ वाली बॉडी, बट एक इंटरनली भी अगर आप, तो एक स्ट्रेंथ मिलती है आपको, एक ताकत मिलती है. वो खाना है प्रिंस का. हाँ, वहां जाके ही फील रिलैक्स्ड एंड नाइस, अपलिफ्ट हो जाता है. तो दिस इज व्हाट इट इज. तो ही लव्स एक्सरसाइज एंड वो चीज अब मैंने भी फॉलो करना शुरू किया है. इट वर्क्स. सो दैट्स इट फॉर द डे. मैं चाहूंगा कि प्रीविका जो है वो आगे बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे और आसमान की ऊंचाई तक आप पहुंचे. Thank और आपके रिलेशनशिप से पूरी इंडिया सीखे कि किस तरह से जो है एक कपल को अपने गोल रखने चाहिए, एक कपल को अपने शेड्यूल के साथ साथ किस तरह से चीजों को बैलेंस करना चाहिए और किस तरह से सॉरी बोलना एक दूसरे को सीखना चाहिए. कीप वर्किंग. या सबका रिश्ता एक अलग अलग तरीके का होता है. आई थिंक सबसे बड़ी बात, Do not let enter third party in your life. चाहे वो कोई भी हो. दो लोगों का रिश्ता सिर्फ दो लोग जानते हैं. एंड यू नो, खुद ही लड़ो, खुद ही प्यार करो. जो कुछ करना है दो ही लोग रहने चाहिए उसमें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. ज्यादातर रिश्ते थर्ड पर्सन की वजह से ही बिगड़ते हैं आपकी जिंदगी में, या फोर्थ पर्सन, या जितने ज्यादा लोग आने लगते हैं उतनी मिसअंडरस्टैंडिंग बनने लगती है. इट्स ऑल अबाउट टू पीपल. एंड या सो That's it. Thank you so much, Yuvika. It was an amazing conversation with you. Thank you.